बच्चों, पिछले कक्षा में भी आपने प्रायिकता यह अध्याय पढ़ा है और इस कक्षा में भी आप प्रायिकता इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर है वो पिछले चैप्टर का या पिछली कक्षा में जो आपने अध्याय पढ़ा है उसका यह विस्तार है। और पिछले कक्षा में आपने पढ़ा था कि घटना क्या होती है, प्रतिदर्श समष्टि या सैंपल स्पेस किस तरीके से कलेक्ट करते हैं और किसी घटना के घटने की प्रायिकता किस तरीके से निकालते हैं, घटना परस्पर अपवर्जी है, स्वतंत्र घटनाएं हैं या संबंधित घटनाएं हैं, ये सब आपने देखा था। इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं सप्रतिबंध प्रायिकता, जिसमें कुछ कंडीशन होगा, जब एक घटना घट चुकी है तब दूसरे घटना के घटने की प्रायिकता हम निकालेंगे, जहां पर आपको कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन थ्योरी की भी जरूरत पड़ेगी। क्रमचय और संचय के जो सिद्धांत है वह भी यहाँ पर कुछ उपयोग में आएंगे। फिर हम देखेंगे कि बेज का प्रमेय से हम किस तरीके से समस्याओं को हल करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। फिर हम देखेंगे कि प्रायिकता का गुणनफल सिद्धांत क्या है, किस तरीके से हम इसके सहायता से भी प्रश्नों को हल करते हैं। संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय देखेंगे। फिर अंत में हम देखेंगे कि सैद्धांतिक बारंबारता बंटन किस तरीके से की जाती है, जिसमें हम मुख्यतः तीन प्रकार की बारंबारता बंटन को देखेंगे, जिसमें पहला है पॉइजन बंटन, दूसरा है द्विपद बंटन और तीसरा है प्रासामान्य बंटन। तो इस तरीके से इस अध्याय को हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं ये अध्याय। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या सप्रतिबंध प्रायिकता। यदि हमें किसी प्रतिदर्श समष्टि की दो घटनाएं दी गई हो तो इस पर विचार करें तो किसी एक घटना के घटित होने का प्रभाव दूसरी घटना की प्रायिकता पर पड़ता है। यदि किसी स्वेच्छ प्रतिदर्श समष्टि S के संबद्ध दो घटनाएं A और B हो तो घटना A के घटित होने की प्रायिकता जब घटना B पूर्व से घटित हो चुकी हो, घटना A के घटित होने की सप्रतिबंध प्रायिकता कहलाती है। इसे P ऑफ A बाई B से निरूपित करते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए हम दो फेयर क्वाइंस सिक्के लेते हैं और उसको उछालें तो हमें सैंपल स्पेस या प्रतिदर्श समष्टि को लिखें तो हम लिखेंगे S इक्वल टू एच एच कॉमा एच टी कॉमा टी एच कॉमा टी टी। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रतिदर्श समष्टि ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जो संभव आउटकम्स होते हैं, उसका कलेक्शन होता है, एक सेट होता है। तो यहाँ पर अगर आप एक सिक्के को टॉस करेंगे तो एक सिक्के में एच हो सकता है, दूसरे में भी एच हो सकता है, पहले में अगर एच हो सकता है तो दूसरे में टी हो सकता है। अब पहले सिक्के में यदि टेल आता है तो दूसरे में हेड आ सकता है, पहले सिक्के में अगर टेल आता है तो दूसरे में भी टेल आ सकता है। तो इस तरीके से चार एलिमेंट होंगे इस सैंपल स्पेस पर। अब चूंकि सिक्के जो है वो फेयर हैं तो प्रत्येक प्रतिदर्श समष्टि के बिंदु की जो प्रायिकता होगी वह समान होगी, जो कि 1/4 है। अब माना ए घटना जो है यह न्यूनतम एक हेड आना है और बी घटना जो है पहले सिक्के पर टेल का आना है, इसको निरूपित करता है। तब हम लिखेंगे ए इक्वल टू एच 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 टी और टी एच, माना कि ये इक्वेशन एक है, और बी इक्वल टू टी एच और टी टी। घटना ए के घटित होने की प्रायिकता को हम लिखेंगे पी ऑफ ए इज इक्वल टू पी ऑफ एच एच प्लस पी ऑफ एच टी प्लस पी ऑफ टी एच। इन तीनों घटनाओं पर हमें घटना ए मिल रहा है जिसपे कि एक हेड आ रहा है। तो इस तरीके से पहले घटना की प्रायिकता 1/4, दूसरे घटना की प्रायिकता भी 1/4 और तीसरे घटना की भी प्रायिकता 1/4। तो तीनों को हम अगर योग कर देते हैं तो मिलता है P of A is equal to 3/4। और घटना B के घटित होने की प्रायिकता को हम लिखेंगे P of B is equal to probability of TH of P of TT। ये दो केसेस हैं जिस पर हमें घटना B के लिए फेवरेबल केसेस हैं।
तो इस तरीके से हम लिखेंगे पी बाई बी इज इक्वल टू 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4, सॉल्व करने पर मिल जाएगा 2 बाई 4, अगेन सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 1 बाई 2। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ए और बी दोनों घटना का जो इंटरसेक्शन है वो एक एलिमेंट है टी एच। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये भी होगा 1 बाई 4। यहां पर ए यूनियन बी हमें मिल रहा है एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। जैसा कि आपने सेट थ्योरी में पढ़ रखा है ये पी ऑफ ए यूनियन बी अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहां पर प्रोबेबिलिटी के केस में चारों जो एलिमेंट है उनके आने की प्रोबेबिलिटी का सम कर देंगे, योग कर देंगे, तो आपको मिल रहा है पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 4। तो ये चार बार आया तो ये 4/4 हो जाएगा 1। तो इस तरीके से मिल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1। माना कि ये समीकरण 8 है। अब दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अगर हम सेट थ्योरी कंसेप्ट यूज करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हम अप्लाई करके देखते हैं, पी ऑफ ए हो जाएगा 3/4, पी ऑफ बी हो जाएगा 2/4 और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 1/4, ये माइनस साइन के साथ। तो इस तरीके से राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो 4/4 मिल जाएगा 1। और समीकरण 8 में भी हमें मिला था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये सत्य है। घटना बी पहले से घट चुकी हो तो घटना ए के घटित होने की प्रायिकता को हम लिखते हैं पी ऑफ ए अपॉन बी, और जो कि बराबर होगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी के। अब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये आपको मिलता है 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या मिलता है 2/4। इन दोनों मानों को रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/2। तो जैसा कि आपको पता है कि बी के वे अवयव जो कि घटना ए के भी अनुकूल है, अर्थात घटना ए और बी के कॉमन एलिमेंट है, या दूसरे शब्दों में साझा अवयव है, ये भी ए इंटरसेक्शन बी के लिए प्रतिदर्श बिंदु कहलाएंगे या फिर सैंपल पॉइंट कहलाएंगे। इस प्रकार हम घटना ए की सप्रतिबंध प्रायिकता जबकि घटना बी घटित हो चुकी है इस प्रकार लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी के अनुकूल प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या बटे बी के अनुकूल प्रतिदर्श बिंदुओं की संख्या। तो इस तरीके से हम लिख पाएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू कार्डिनालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कार्डिनालिटी ऑफ बी। समीकरण एक के राइट हैंड साइड में अंश और हर को प्रतिदर्श समष्टि के अवयवों की कुल संख्या ns, n कार्डिनालिटी ऑफ s मतलब n ऑफ s से भाग दे दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू कार्डिनालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कार्डिनालिटी ऑफ s देन होल अपॉन कार्डिनालिटी ऑफ बी अपॉन कार्डिनालिटी ऑफ s। तो न्यूमरेटर अंश में जो हमें दिखाई दे रहा है उसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और डिनोमिनेटर या हर में जो हमें दिखाई दे रहा है उसे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। माना कि ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 2 तभी सत्य है जब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, अर्थात बी जो है वो रिक्त समुच्चय नहीं होगा। तो इस प्रकार हम परिभाषित कर सकते हैं कि यदि ए और बी किसी यादृच्छिक परीक्षण के प्रतिदर्श समष्टि से संलग्न दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि बी के घटित होने की सूचना पर ए के प्रायिकता इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0 होगा, अर्थात बी रिक्त समुच्चय ना हो। प्रश्न दिया गया है कि यदि पी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/3 है, तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये है 1/4 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहला है पी ऑफ ए बाई बी
दूसरा है पी ऑफ बी बाई ए, और तीसरा है पी ऑफ ए यूनियन बी। ये तीनों हमें ज्ञात करना है। तो ये सिंपल सा है कि इसके फार्मूले अगर आपको पता है कि ये कंसेप्ट पता है तो आप क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। तो ये होता है पी ऑफ ए बाई बी जो होता है, ये होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन पी ऑफ बी, ये जो दिया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 1/4, ये 1/4 अपॉन पी ऑफ बी, ये है 1/3। ये हो जाएगा 1/4 और ये 1/3, सॉल्व करने पर मिल रहा है 3/4। तो ये इसका आंसर है। दूसरा है पी ऑफ बी बाई ए, तो अगेन ए इंटरसेक्शन बी लिखिए या बी इंटरसेक्शन ए लिखिए, आपको सॉल्यूशन वही मिलना है। तो ये हो जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ ए, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये हो जाएगा 1/4 और पी ऑफ ए क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4 और ये 1/2, सॉल्व करने पर मिल जाएगा 1/2। और इसमें तीसरा दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू पुट करिए, पी ऑफ ए दैट इज़ 1/2, पी ऑफ बी दैट इज़ 1/3, और इसको सॉल्व करेंगे मिल जाएगा ये 1/4। सॉल्व करेंगे लघुत्तम समापवर्त या एलसीएम लेंगे, ये आएगा 12, तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 3। तो 6 और 4 10, 10 में 3 घटाए 7, ये मिल गया 7/12। तो ये इसके लिए सॉल्यूशन है जो कि हमें पूछा गया था। इसी तरीके से डायरेक्ट फार्मूलेटेड क्वेश्चंस आप यहां से इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न दिया गया है कि एक पासा 2 बार फेंका जाता है, इनके ऊपरी फलक पर आए अंकों का योग 6 आता है। प्रतिबंधी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि अंक 4 कम से कम 1 बार आए। तो इसके लिए हम हल करते हैं। तो पहला हम उस घटना को नाम देंगे कि माना ए वह घटना है जिसमें संख्या 4 कम से कम 1 बार आता है, जबकि एक पासा 2 बार फेंका जाता है। तो हम इसके लिए एक ए के लिए जो फेवरेबल केसेस है वो लिख लेते हैं। क्या बोला गया है कि एक पासा को 2 बार फेंका जाता है, उसके ऊपरी फलक पर आए अंकों का योग 6 आता है। प्रतिबंधी प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब अंक 4 कम से कम 1 बार आए। तो ये हो सकता है 4-1, ये हो सकता है 4-2, ये हो सकता है 4-3, ये हो सकता है 4-4, ये हो सकता है 4-5 और ये हो सकता है 4-6। 4 कम से कम 1 बार आना चाहिए, तो ये 1 बार हो गया। दूसरा है इसका उल्टा रिवर्स कर देते हैं, 1-4, 2-4, 3-4। अब 4-4 को नहीं लेंगे क्योंकि 4-4 और 4-4 ये 1 बार आ गया सेट में, हम एलिमेंट्स को रिपीटेशन नहीं करते। और ये 4-5 का हम उल्टा लिख देंगे 5-4 और 4-6 का उल्टा लिख देंगे 6-4। तो इस प्रकार इस सेट ए की जो कार्डिनालिटी है वो गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो कुल इसमें 11 अवयव हैं। अब क्या बोला गया है कि एक पासा 2 बार फेंकने पर संख्याओं का योग 6 आता है। तो एक पासा को 2 बार फेंकने पर संख्याओं का योग 6 आता है, तो इसके लिए हम बी लेकर के चलते हैं और इसका फेवरेबल केस ले लेते हैं। अब 2 पासे को जब 2 बार फेंक रहे हैं तो अंकों का योग 6 कब आ सकता है? तो एक सबसे छोटा अंक और एक सबसे बड़ा अंक लेकर के चलते हैं, क्योंकि 0 तो आएगा नहीं,
तो ए आएगा एक और दूसरा संख्या हो जाएगा पाँच, पाँच एक का उल्टा कर देंगे, एक पाँच का उल्टा कर देंगे, मतलब अंकों को स्वैप कर देंगे, नंबर्स को। तो ये हो गया एक पाँच पाँच एक, फिर दो और चार और चार दो, अब एक है तीन तीन। इसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं है जिसमें दोनों को जोड़ने पर, दोनों अंकों को जोड़ने पर, जो कि पास होकर फेंकने पर आता है, योग छः आए। तो इस सेट बी की जो कार्डिनालिटी है, एक दो तीन चार पाँच, कुल इसमें कितने अवयव हैं? पाँच अवयव हैं। अब चूंकि हमें प्रतिबंधित प्रायिकता निकालनी है, तो घटना ए और बी इन दोनों में कॉमन एलिमेंट जो है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में कौन कौन सा अवयव है? तो एक तो है ये चार दो और दो चार, ये दोनों अवयव यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा और कोई भी अवयव नहीं है। तो ये है दो चार और चार दो। तो इस सेट की कार्डिनालिटी, ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनालिटी हो गया दो। और अब चूंकि पासे को फेंका जा रहा है, तो सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे? सिक्स इंटू सिक्स। पहली बार पासे को फेंका जा रहा है तो छः हो जाएगा, दूसरे बार पासे को फेंका जा रहा है तो छः, दोनों का गुणा करेंगे तो कुल मिलके मिल जाएगा 36। अब क्या बोला गया है? प्रतिबंधी प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब अंक चार से चार कम से कम एक बार आए। तो हम पहले लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। तो ये एन ऑफ ए दैट इज 11 और एन ऑफ एस दैट इज 36। अब इसी तरीके से पी ऑफ बी ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पी ऑफ बी मतलब कार्डिनलिटी ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। तो ये है 5 और ये है 36। तो पी ऑफ ए मिल गया, पी ऑफ बी मिल गया। अब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लेते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी की कार्डिनलिटी है 2 और एन ऑफ एस मिल जाएगा 36, तो मिल जाएगा 1/18। या चूंकि बेस 36 का चल रहा है तो 36 यहीं तक लिख करके भी इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या बोला गया है कि जो हमें प्रायिकता पता करनी है, तो हमें पी ऑफ ए बाई बी कैलकुलेट करना है। अभीष्ट प्रायिकता अर्थात अंक चार कम से कम एक बार आए यदि अंकों का योग 6 आता है। तो इसे हम लिखेंगे अभीष्ट प्रायिकता, तो पी ऑफ ए बाई बी ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने कैलकुलेट किया है 2/36 और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बी ये लिखा है 5/36। तो सॉल्व करने पर मिल जाएगा 2/5, जो कि इस क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन है जो हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था। अगला प्रश्न है कि 52 ताशों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है और फिर वापस रख दिया जाता है। गड्डी को फेंट कर पुनः दूसरा पत्ता निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पहला पत्ता बादशाह और दूसरा पत्ता लाल रंग का गुलाम है। तो जब भी बात ताश के पत्तों की आती है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं, 13 13 13, इस तरीके से चार सेगमेंट होता है। एक को बोलते हैं पान, जो कि लाल रंग का होता है। दूसरा पान जैसा ही होता है लेकिन ये ब्लैक कलर का होता है, इसको हम हुकुम बोलते हैं। एक होता है चीड़ी और दूसरा होता है ईंट। तो इस तरीके से चार प्रकार के मेनली पत्ते होते हैं। अब यहाँ पर बात की गई है बादशाह की, तो के जो ताश के पत्ते में के लिखा होता है वो बादशाह होता है, और लाल रंग के पत्तों की बात की जा रही है। तो 26 पत्ते लाल रंग के होते हैं और 26 पत्ते काले रंग के होते हैं, ये आपको पता है। तो पहला प्रश्न का पहला भाग कि 52 ताशों की एक गड्डी में से एक पत्ता निकालने पर उसमें बादशाह होने की प्रायिकता हमें निकालनी है। हम लिखेंगे कि 52 ताशों की गड्डी से एक पत्ता निकालने पर उसके बादशाह होने की प्रायिकता। तो ये हो जाएगा
बादशाह जो होंगे वो चार होंगे, एक हुकुम, चीड़ी, ईंट और पान में, और कुल 52 पत्ते होते हैं, तो ये हो जाएगा 4/52। सरल करेंगे तो मिल जाएगा 1/13। दूसरा कहा गया है कि पत्ते को फेंटने के बाद, उस पत्ते को रखकर पुनः फेंटने के बाद एक पत्ता निकालते हैं, तो लाल रंग का गुलाम होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखेंगे कि पत्ते को वापस रखकर पुनः फेंट कर एक पत्ता निकालने पर उसके लाल रंग का गुलाम होने की प्रायिकता, तो जो जे होता है ये गुलाम होता है, और लाल रंग के दो गुलाम होते हैं, काले रंग के दो गुलाम होते हैं। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 2/52। सरल करेंगे तो मिल जाएगा 1/26। अब चूंकि उपर्युक्त घटना स्वतंत्र घटनाएं हैं, दोनों में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो इसलिए जो प्रायिकता पूछी गई है तो हम इसको लिखेंगे, अतः अभिष्ट प्रायिकता, दोनों की प्रायिकताओं का हम गुणनफल ले लेंगे, तो ये 1/13 और 1/26। सरल करेंगे तो मिल जाएगा 1/338, और यही प्रश्न में पूछा गया था। प्रायिकता गुणन नियम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। माना कि ए और बी एक प्रतिदर समष्टि एस की दो घटनाएं हैं, मतलब ये कि एक सैंपल स्पेस है, उसमें दो इवेंट है, एक है ए और दूसरा बी। अब ये हम कह सकते हैं कि समुच्चय ए इंटरसेक्शन बी दोनों घटनाओं ए और बी के घटित होने को निरूपित करता है, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी घटनाओं ए और बी के युगपत घटित होने को निरूपित करता है। सिंपल सा मतलब है कि अगर दो सेट ए और बी है और ए इंटरसेक्शन बी, वो उसमें एक ऐसे अवयव होते हैं जो कि ए में भी शामिल होते हैं और वो बी में भी शामिल होते हैं। तो उदाहरण से हम समझते हैं कि एक के बाद दूसरा पत्ता निकालने के लिए परीक्षण में मिश्र घटना एक हुकुम का पत्ता और एक ईंट का पत्ता निकालने की प्रायिकता ज्ञात करने में आवश्यकता पड़ती है। घटना ए बी की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए हम सप्रतिबंध प्रायिकता का उपयोग करते हैं। घटना बी के दिए जाने पर घटना ए की सप्रतिबंध प्रायिकता को हम पी ऑफ ए बाई बी से निरूपित करते हैं, और आपको जैसा कि पता है कि इसके लिए हम फार्मूला लिखते हैं, पी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, जहां पर पी ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। P यहाँ पर प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है, प्रायिकता को शो कर रहा है। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए और बी में जो अवयव है उसके घटने या उसके आने की प्रायिकता, और पी ऑफ बी का मतलब है घटना बी के घटने की प्रायिकता। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम तिर्यक गुणा कर देते हैं। पी ऑफ बी जो कि हर में है, डिनोमिनेटर में, उसको राइट में लेफ्ट में ले जाकर न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा पी ऑफ ए बाई बी इंटू पी ऑफ बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब जो हमने राइट में लिखा है उसको लेफ्ट में लिख लेते हैं, और जो लेफ्ट में उसको राइट में, तो हमें मिल जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, या पी ऑफ ए बाई बी इंटू पी ऑफ बी। इसे हम समीकरण एक नाम देते हैं, और इसी तरीके से हम पी ऑफ बी बाई ए निकालते हैं, तो लिखेंगे कि पी ऑफ बी बाई ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ऑफ ए। पुनः वही प्रक्रिया जो पिछले में हमने उपयोग किया था, कि P of A को हम तिर्यक गुणा कर देंगे, तो मिल जाएगा P of B by A into P of A, that is equal to P of A intersection B। तो A intersection B और B intersection A, ये दोनों equal होता है, set theory का concept है, आपको ये पता होगा। तो इस तरीके से हम जो राइट में डेटा है अगेन उसको लेफ्ट में लिख लेंगे,
कि हमें मिल जाएगा P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ B बाई A इंटू P ऑफ A, समीकरण एक, और ये अभी जो हमने बोला ये समीकरण दो। समीकरण एक और दो दोनों में प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B है लेफ्ट हैंड साइड, तो ऑब्वियस सी बात है राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं समीकरण एक और दो से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A या P ऑफ A। अगला प्रश्न ये है कि तीन सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, प्रत्येक में पुच या टेल ऊपर आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि, पहला प्रश्न, उनमें से एक सिक्का में पुच आता है, दूसरा प्रश्न, उनमें से दो सिक्कों में पुच आता है, और तीसरा प्रश्न, कम से कम दो सिक्कों में शीर्ष या हेड आता है। यह हमें निकालना है। और प्रश्न का चौथा भाग है, अधिक से अधिक एक सिक्का में से हेड या शीर्ष आता है। तो पहली बात ये कि तीन सिक्के फेंके जा रहे हैं या तीन सिक्कों को उछाला जा रहा है, तो उसके लिए हम सैंपल स्पेस के एलिमेंट लिख लेते हैं, प्रतिदर्श समष्टि लिख लेते हैं। दिया हुआ है कि तीन सिक्के उछाले जाते हैं, अतः प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस S, तो इसको हम कुछ इसी तरीके से फॉर्मुलेट कर लेते हैं कि तीन सिक्के उछाले जा रहे हैं तो 2 × 2 × 2, तो कुल मिलाकर के 8 ऐसी संभावनाएं बनेंगी। तो पहली बार हम ये करते हैं कि आधे में हम हेड ले लेते हैं, 4 हेड और 4 टेल, क्योंकि 8 है तो आधे में हेड आधे में टेल, फिर दो दो हेड और दो दो टेल, उसके बाद एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड और एक टेल। ये इस तरीके से ये हमने प्रतिदर्श समष्टि लिख लिया। प्रश्न में ये कहा गया है कि तीन सिक्के उछाले जाते हैं, प्रत्येक में पुच्छ आने की प्रायिकता ज्ञात करना है, पुच्छ आने की प्रायिकता ज्ञात करना है जबकि उनमें से एक सिक्के में पुच्छ आता है। तो हम पहला प्रश्न सरल कर रहे हैं कि हमें प्रत्येक में पुच्छ या टेल ऊपर आने की प्रायिकता ज्ञात करना है, यदि उनमें से एक सिक्के में पुच्छ आता है तो यदि हम ए को लिखें, प्रत्येक में पुच्छ आना आने की घटना, प्रत्येक में पुच्छ आने की घटना मतलब टेल टेल टेल, यही ये जो एक कॉम्बिनेशन आ रहा है टी टी टी, ये आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये कि सेट ए की जो कार्डिनालिटी है ये एक हुई। अब उसका जो दूसरा पार्ट था कि उनमें से एक सिक्के में पुच्छ आता है, तो उसको हम सेट बी लेकर के चलते हैं, उनमें से एक में पुच्छ आता है। तो एक में पुच्छ कहाँ कहाँ पर है, एक तो एच एच टी, ये कॉम्बिनेशन है, दूसरा है एच टी एच, ये दूसरा कॉम्बिनेशन है, कम से कम एक आना चाहिए ना, तो फिर ये एच टी टी ये तीसरा है, चौथा है टी एच एच, पांचवा है टी एच टी, छठवा है टी टी एच, सातवा है टी 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 टी, 1 2 3 4 5 6 7, तो सेट बी की जो कार्डिनालिटी है ये हो गई 7, और ए इंटरसेक्शन बी में
एक ही अवयव है ये टी 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 वाला, ये टी टी टी। तो इसका मतलब क्या कि इस सेट की जो कार्डिनालिटी है ये एक हो गई। और हमें क्या पूछा गया है, प्रत्येक में पुच्छ आने की प्रायिकता यदि उनमें से एक सिक्के में पुच्छ आता है। तो हमें जो प्रायिकता निकालनी है, अभीष्ट प्रायिकता, ये क्या हो जाएगा, पी ऑफ ए बाई बी। और आपको पता है कि पी ऑफ ए बाई बी होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। दोनों को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ एस, और दूसरा कार्डिनालिटी ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस। तो ए इंटरसेक्शन बी कितने अवयव हैं, एक, एक बटे 36, और बी में कितने अवयव हैं, सात, सात बटे 36। सरल कर लेंगे तो मिल जाएगा 1/7। तो घटना ए की प्रायिकता जबकि घटना बी घट चुकी है, ये पी ऑफ ए बाई बी, इसी को हम कहते हैं। और ये हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब प्रश्न का दूसरा भाग है कि प्रत्येक में पुच्छ आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि उनमें से दो सिक्कों में पुच्छ आता है। तो ये जो सैंपल स्पेस के एलिमेंट है हम उसको एज इट इज रखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रश्न का दूसरा भाग था कि तीन सिक्कों में पुच्छ या टेल आने की प्रायिकता यदि उनमें से दो सिक्कों में पुच्छ आता है। पुच्छ या टेल आता है ये हमें ज्ञात करनी है। तो ये केस हमने सॉल्व कर लिया था कि ए, ये जो होगा टी 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 होगा, इसमें एक ही अवयव है, कार्डिनालिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1। इसका जो दूसरा भाग है इसमें लिखा है कि दो सिक्कों में पुच्छ आता है, तो टेल टेल दो आने वाले जो एलिमेंट्स हैं उसको हम लिख लेते हैं। तो एक तो है एच टी टी, दूसरा है टी टी एच, तीसरा है टी एच टी, चौथा है टी टी टी। तो इस तरीके से सेट बी की जो कार्डिनालिटी है ये हो गई 4। अब इन दोनों में ए इंटरसेक्शन बी में जो उभयनिष्ठ है वो अवयव एक ही है टी टी टी। तो इसका मतलब ये कि ए इंटरसेक्शन बी की जो कार्डिनालिटी है ये हो गई 1। अब पुनः पी ऑफ ए बाई बी ये हमको कैलकुलेट करना है, तो हम लिखते हैं पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। इसको लिखा जा सकता है कार्डिनालिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कार्डिनालिटी ऑफ सैंपल स्पेस अपॉन कार्डिनालिटी ऑफ बी अपॉन कार्डिनालिटी ऑफ सैंपल स्पेस। तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने अवयव हैं, एक, और ये एन ऑफ एस हमने थोड़ी देर पहले देखा था, यह आता है 36। एन बाई बी ये है 4 और ये है 36। उसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/4, जो कि इस दूसरे सेगमेंट का आंसर हुआ। इसमें तीसरा प्रश्न जो है वो ये कि तीनों सिक्कों में टेल या पुच्छ आने की प्रायिकता यदि कम से कम 2 सिक्कों में शीर्ष आता है, अर्थात हेड आता है, ये हमें ज्ञात करना है। तो हमने ए कैलकुलेट कर लिया था, ये टी 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 एक ही फेवरेबल केस है, तो इस सेट की जो कार्डिनालिटी हो गई ये 1 हो गई। दूसरा बी सेट लेते हैं, कम से कम 2 सिक्कों में शीर्ष आना चाहिए, तो एच एच टी, इसमें 2 हेड होने ही चाहिए ना, तो इसी को हम अलग अलग लोकेट करके इस तरीके से वैरायटी बना लेंगे, या इस सैम्पल स्पेस से आप डायरेक्टली देख करके टिक आउट करके लिख सकते हैं 1 2 3 4। तो इस सेट की कार्डिनालिटी हो गई 4।
और इन दोनों से हम देखते हैं कि ए और बी इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी की जो कार्डिनालिटी है ये हो गई जीरो। हमें क्या ज्ञात करना है, पी ऑफ ए बाई बी, ये होता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, तो ये हो गया ज़ीरो अपॉन बी, दैट इज़ 4/36, अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा ज़ीरो। अब इसमें एक चौथा पार्ट बच गया है, इसको यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। तीन सिक्कों में पूछा नहीं कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए, यदि अधिक से अधिक एक सिक्का में शीर्ष आता है, तो एक काम करते हैं, ये ए वाला जो केस है ये तो सेम टू सेम रहेगा, चलिए लिख लेते हैं, तीनों सिक्कों में टेल या पुच्छ आने की प्रायिकता यदि अधिक से अधिक एक सिक्का में शीर्ष आता है, तो ए दैट इज टी 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 और इसकी कार्डिनालिटी हो गई एक। अब ये बोला गया है कि अधिक से अधिक एक सिक्का में शीर्ष आता है, तो मान करके चलते हैं कि वो केस बी है और ये एक केस होगा, दूसरा ये केस होगा, तीसरा टी टी एच होगा और चौथा टी एच टी होगा। तो एक सिक्का में शीर्ष आता है, इसमें तीन है, इसमें दो है, इसमें दो है, इसमें दो है, तो ये क्लियर हो गया। इस तरीके से इसकी कार्डिनालिटी अगर हम कैलकुलेट करें 1, 2, 3, 4, ये आ गया 4। इन सब में अगर हम ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करें, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये एक ही एलिमेंट है जो कि दोनों में उभयनिष्ठ है, तो इसकी कार्डिनालिटी हो जाएगी 1। हमें जो पूछा गया है वो है पी ऑफ ए बाई बी, दैट इज़ पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी दिस इज 1/36 और पी बाई बी 4/36, तो दोनों से 36 कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा 1/4। तो ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। इस टाइप्स के और भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि एक थैले में 5 रुपए के 5 सिक्के और 4 50 पैसे के सिक्के हैं, दूसरे थैले में 5 रुपए के 5 सिक्के तथा 3 50 पैसे के सिक्के हैं, किसी एक थैले से सिक्का गिर पड़ता है, यह 5 रुपए का सिक्का है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहली बात ये हम ज्ञात करेंगे कि पहले सिक्के के गिरने पर, पहले थैले में से अगर कोई एक सिक्का गिरता है तो उसके 5 रुपए के सिक्के होने की प्रायिकता क्या होगी। फिर यही काम हम दूसरे थैले के लिए करेंगे कि दूसरे थैले से 5 रुपए के सिक्के गिरने की प्रायिकता क्या होगी, और फिर हम देखेंगे कि दोनों थैलों में से किसी एक थैले से सिक्का गिरने की प्रायिकता क्या होगी, और उसके बाद हम अभीष्ट प्रायिकता निकाल लेंगे। तो चलिए हल करते हैं। तो पहले थैले में 5 रुपए के 5 सिक्के, 50 पैसे के 4 सिक्के, अब पहले थैले से एक सिक्के गिरने पर उसके 5 रुपए के सिक्के होने की प्रायिकता तो
तो 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 5 सिक्के हैं, और दोनों को जोड़ देंगे तो 5 और 4 9, तो ये 5/9 मिल जाएगा कि पहले थैले से यदि एक सिक्का गिरता है तो उसके 5 रुपए के सिक्के होने की प्रायिकता ये हो गई। इसी प्रकार दूसरे थैले से, अब हम दूसरे थैले की बात करते हैं, दूसरे थैले में क्या क्या है? 5 रुपए के 5 सिक्के हैं और 50 पैसे के 3 सिक्के हैं। इसी प्रकार अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे कि दूसरे थैले से एक सिक्का गिरने पर उसके 5 रुपये के सिक्के होने की प्रायिकता तो कुल कितने सिक्के हैं? 8 सिक्के। 5 रुपये कितने सिक्के हैं? 5, तो ये आपको मिल गया 5/8। अब दोनों थैलों में से किसी एक से सिक्का गिरेगा तो दोनों थैलों में से किसी एक थैले से सिक्के गिरने की जो प्रायिकता है तो ये हो जाएगी 1/2, क्योंकि दो थैले हैं तो उस किसी में से एक से गिरना है, तो 1/2 ये प्रायिकता हो गई। और हमें जो प्रायिकता पूछी गई है कि दोनों में से, दोनों थैलों में से अगर कोई सिक्का गिरता है तो 5 रुपए के सिक्के होने की प्रायिकता क्या है, तो ये हो जाएगा 1/2, पहला वाला थैला सेलेक्ट किया गया है और उसमें से 5 रुपए के सिक्के होने की प्रायिकता ये हो गई। इसी तरीके से दूसरा थैला है वो उसका सिलेक्शन होता है और उसमें से 5 रुपए के सिक्के होने की प्रायिकता ये हो गई। दोनों के दोनों जो घटनाएं हैं परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं आप ऐसा कह सकते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5/18 और ये हो जाएगा 5/16। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, मिल जाएगा 144 और ये होगा 40 और ये होगा 45 और सरल जब करेंगे तो मिल जाएगा 85/144। तो ये वो प्रायिकता है जो कि हमें ज्ञात करना था।